हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा शैल। आई एम शैलजा नाहल। फ्रेंड्स, माय टुडेज वीडियो इज बेस्ड ऑन वैलेंटाइंस डे, सो हियर आई एम विद द वेरी वेरी ब्यूटीफुल हार्ट शेप्ड वॉल डेकोर व्हिच इज मेड विद द होममेड टेक्सचर पेस्ट एंड ए होममेड स्टेंसिल। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो इफ यू वांट टू गिफ्ट समथिंग अमेजिंग टू योर लव्ड वंस। So friends, at the very first, I'm taking this heart-shaped surface. This is an MDF board and it's very easily available at any wooden shop. So what you have to do now, I had already done a drawing on this. Tintanan. Now you can see it's a happy Valentine's Day. This is a small angel which I had made over here and happy Valentine's Day already did it in. Guys, now on the next thing which I'm going to show you are the stencils. This is from Kidance. This is from iCraft. iCraft stencils are of very reasonable prices. This is also from iCraft and this is of Kidance. There is one more stencil which I had forgot to show you. That is a flower stencil and this is from iCraft too. And now the question arises, what about this? I'm going to show you how to make stencils in this video. Now I'm going to show you how to make a stencil. To start with the stencil, we have to start with a piece of plastic. ये प्लास्टिक का पीस है, पुरानी सी फाइल है मेरे पास, आपके पास भी ऐसी बहुत सारी फाइल्स होंगी, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम योर स्टोर रूम या बच्चों के पास होती हैं वो ले सकते हो आप। आई एम हैविंग दीज फोर काइंड ऑफ फाइल, बट टू डिफरेंट फाइल्स आर हैविंग सम काइंड ऑफ टेक्सचर और प्रिंट ऑन इट। लेकिन अगर प्रिंट पे मैं पहली बार आपको करके दिखाऊंगी तो आपको डिजाइन नजर नहीं आएगा। So I'm using this one file कि आपको अच्छे से डिजाइन नजर आए। So सबसे पहले हमें क्या करना है, we have to cut it. हमें इसको साइड से कट करना है। कट करने के बाद सबसे पहले हमें इस पे लगाने हैं साइड्स पर सेलोटेप इसको स्टिक करने के लिए। So मैं इस पर सेलोटेप लगा दूंगी इसको स्टिक करने के लिए। आई थिंक दिस इज नॉट क्लियर टू यू एज लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसके ऊपर, सो आई एम डूइंग इट विद द परमानेंट मार्कर और ये अब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। सो वी हैव टू मेक द डिजाइन एज इट इज ऑन द शीट, बट इसकी कटिंग करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान से इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। If you are making it for the first time or you don't know how to do calligraphy, then have a printout of Happy Valentine and then paste it over it. Now guys, this is a craft knife. You can buy it from any craft shop. आप Amazon से भी buy कर सकते हो इसको। और heart की cutting के लिए सबसे पहले हमें sides पर देखिए मैंने lines लगाई हैं। और इन लाइंस को आपको काटना नहीं है, बाकी सारे पीस को आपको काट देना है। गाइज, दीज नाइव्स आर वेरी वेरी शार्प, सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग योर वर्क। लेकिन जब आप शीट को सिलेक्ट करो तो शीट सिलेक्ट करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि शीट जो हो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए ताकि आपका वर्क बहुत ईजी हो जाए। बहुत ही एक्यूरेट शेप में बहुत जल्दी कटिंग कर देता है। ये देखिए जो मैंने लाइंस लगाई थी, मैं लाइंस से इसे नहीं काटूंगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमारा जो स्टेंसिल है वो बहुत ही एक्यूरेट शेप में बनेगा और हमारा हार्ट बहुत एक्यूरेट शेप में बनेगा। इसने शीट और बीच वाले हार्ट को जोड़कर रखा हुआ है वो लाइंस में। एंड गाइज, इन दिस वे वी हैव टू डू आवर होल कटिंग। Wow, now you can see I had done my whole cutting. Now take a black gesso and apply it on the base.
Now dry it with a hot air gun or with the dryer. Now when it is dried, take your stencil और इसके ऊपर आप प्रॉपर हार्ट की शेप बना लीजिए. आउटर ही बनानी है, इनर नहीं बनानी आपको. ये देखिए, जैसे मैं आउटर लाइन ही बना रही हूँ इसकी. हमें सिर्फ अपने हार्ट की एक शेप चाहिए इसके ऊपर. Now what I'm going to do, I'm applying this texture paste on this heart कि मुझे सिर्फ एक लेयर चाहिए इसके ऊपर, पूरी की पूरी लेयर चाहिए. और फिर मैं इसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूंगी. और आई विल मेक इट ड्राई विद अ हॉट एयर गन और विद अ ड्रायर. अब इसकी वन लेयर बिल्कुल कंप्लीट हो गई है. सो आई एम गोइंग टू ड्राई इट विद अ हॉट एयर गन. अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्राई यूज कर लीजिए. अगर आपके पास वो भी नहीं है तो उसको एटलीस्ट 1 आवर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए. गाइज, आई थिंक माई बेस इज नॉट क्लियर, सो आई एम गोइंग टू पुट ए व्हाइट चार्ट ऑन माई बेस ताकि मेरा जो हार्ट शेप है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको. नाउ दिस इज क्लियर. नाउ आई एम टेकिंग ए स्टेंसिल. दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टेंसिल फ्रॉम किडांस और मुझे हार्ट की हाफ शेप को इसी के साथ टेक्सचर पेस्ट के साथ कवर करना है. सो नाउ आई एम अप्लाइंग टेक्सचर पेस्ट वेरी स्मूथली ऑन दिस स्टेंसिल, बट एज वेल मुझे इसे बहुत जल्दी भी करना है क्योंकि ये सूख गया तो मेरा स्टेंसिल भी खराब हो जाएगा और मेरा नीचे जो टेक्सचर है वो भी खराब हो जाएगा. And ta-da! It's done now. You can see, wow, it's so beautiful. It's so beautiful. अब मैं अपने हाफ पार्ट को कर रही हूँ और बहुत ही ध्यान से कर रही हूँ इसको क्योंकि ये पीछे जो मेरा ऑलरेडी किया हुआ टेक्सचर है वो खराब ना हो जाए. You can see, I'm checking it again and again. Wow, it's so so beautiful. Guys, I'm in love with this texture. This is so beautiful, so beautiful. Now in the second half of this heart, I'm going to use this stencil. This is a flower stencil और इसी का मैं texture दूंगी इस पर. Guys, as you can see, these two textures are different from each other, but they are very, very beautiful. Now, the third stencil which I'm going to use is this butterfly. Make its texture randomly anywhere. Guys, now you can see the effect and beauty of my textures.
These all textures are related to Valentine, related to some birthdays, some celebrations. So if you want to gift anything handmade to anyone you love, you can make these kind of things. So now this is the final and the last texture which I'm going to do now. This is a stencil which we had made. This is a Happy Valentine Day with an angel with a heart. Get it dry with a hotter gun or dryer or lift it behind for an hour or 2 hours. Guys, if you don't want to write Happy Valentine's Day on it, you can write any name. आप किसी अपने loved one का किसी का भी नाम लिख सकते हो, birthday wish कर सकते हो, photograph लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इस पर. Now I'm going towards my coloring part. This is a dabber. ये छोटा सा dabber है मेरे पास. वैसे के बड़े dabbers भी आते हैं. This is a sponge. If you are not having that dabber, you can use this sponge. This is, I think, only of 10 rupees. Now I'm going to take this blue color of Fevicryl. Apply the color directly with the dabber or with the sponge and use the dabbing technique. Dab dab karna hai aapko. ये देखिए जैसे मैं dab dab करके इसको apply कर रही हूँ. अभी मैं sponge से भी आपको करके दिखाऊंगी. हार्ट की जो साइड्स हैं उसको आपको डार्क कलर में रखना है और सेंटर को आपको मिक्स करना है विद द व्हाइट कलर. और व्हाइट कलर भी मैं फेविक्रिल का ही ले रही हूँ. आई एम यूजिंग द स्पॉन्ज टू मिक्स द कलर. आपको किसी पैलेट में इसको मिक्स नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इसी के ऊपर मिक्स करना है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है. मैं आपको हाफ हार्ट कलर करके दिखाऊंगी यहाँ पर. Black base will give a very very beautiful effect. और sides को dark दिखाने के लिए we have to use black color of Fevicryl. Now I'm going to use a black color on the sides. You can see iska bahut hi beautiful sa effect aata hai. Wow, this is so beautiful. Aap ise try zarur kijiyega, ye bahut hi beautiful effect deta hai. What I'm going to do now, jo sides hain inko black paint mein karungi with the dabbing technique. जो हार्ट पर मेरा ब्लू कलर आ गया है उसको मैं वापस ब्लैक करूंगी एंड देन आई विल अप्लाई अ सेकंड कोट ऑफ कलर ऑन इट. मेक इट ड्राई फर्स्ट देन अप्लाई व्हाइट एंड रेड कलर. I'm taking white, red and pink color. और मैंने इस बार सारे कलर फेविक्रिल के यूज किए हैं क्योंकि फेविक्रिल के कलर्स बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं. गाइज, मैं ज्यादातर प्रोडक्ट्स अपने जो भी दिखाती हूँ वो ज्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि वो बहुत ही इजीली बन जाएं, कि आपको उसका सामान बहुत ही इजीली मिल जाए और बहुत ही कम रेट्स में बन जाएं ताकि आप वो उसको बना सको, उसको यूज़ कर सको, अपने होम डेकोर में यूज़ कर सको, किसी को गिफ्ट दे सको. अब मैं इसको साइड्स पर ब्रश से रेड कलर में कर दूंगी. यू हैव टू टेक ए ब्राइट रेड कलर. और जब हमें हैप्पी वैलेंटाइन लिखना है तो हैप्पी वैलेंटाइन के बीच में हमें रेड कलर में ब्लैक कलर थोड़ा सा मिक्स कर देना है ताकि वो नजर आए.
और एंजल की जो बिल्कुल साइड्स हैं सिर्फ उन्हीं पर ही कलर करना है। अब मैंने ये गोल्डन कलर लिया है फेविक्रिल का ही, और इस कलर को मैं हल्के हाथ से सारे के सारे साइड्स पर ब्लू के ऊपर करूंगी। जस्ट हल्का सा एक टेंट सा इफेक्ट आना चाहिए उसके ऊपर। इट विल एनहांस द ब्यूटी ऑफ योर टेक्सचर। और अब मैंने ये ब्रॉन्ज कलर लिया है, और ब्रॉन्ज कलर मैं करूंगी हैप्पी वैलेंटाइन डे के ऊपर। वाओ, दिस इज लुकिंग सो प्रिटी, सो प्रिटी। गाइस, दिस गोल्डन एंड ब्रॉन्ज कलर हाईलाइट योर टेक्सचर। वाओ, नाउ यू कैन से that we had made a mixed media product, mixed media craft in a very, very reasonable rates. And this is very beautiful, very beautiful. Guys, one thing I want to say you, if you don't get this kind of stencil, you can use any stencil from iCraft or from any other brand. You can see these golden and bronze color highlights all the texture. So guys, if you like my videos, if you like my craft, if you like the way I teach, please like my videos, share them, and do subscribe my channel too, and don't forget to hit on the bell icon. And one thing more, please do follow my Instagram too, क्योंकि मैं अपने अपडेट्स जो हैं, जो अपनी नई वीडियो के अपडेट्स हैं, अपनी ऑनलाइन सेशन के अपडेट्स हैं, वो सारे के सारे मैं Instagram पर डालती हूँ। I took a number of free online sessions and number of paid online sessions too. Thank you so much. Namaste.